नादरीन सिटी टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आज मोहम्मद साबिर डबिलपुरा डिवीजन के उम्मीदवार, आज उन्होंने अपना चौथा पैदल दौरा मुकम्मल किया। रौरम्बा की जोड़ी से शुरू हुआ और इनकी पैदल दौरे में काफी कसीर तादाद देखने में आई। ऐसा लग रहा है कि अब टीआरएस यहां से कुछ काम करेगी। मोहम्मद साबिर ने मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों को तहखुन दिलाया कि आपके मसाइलत को मैं हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और उन्होंने कहा कि केसीआर साहब जो 10,000 रुपए जो पानी से जो लोग मुतासिर हो गए हैं उनको 10,000 रुपए पूरों को मिलेंगे, ये तहखुन दिलाया। और 5 या 6 तारीख से जो लोग ऑनलाइन ने करे वो ऑनलाइन कर ले और उनको अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। रहमान रहीम, मैं मोहम्मद साबिर कॉर्पोरेटर के इलेक्शन के लिए डबिलपुरा डिवीजन से ठहरा हूँ। जो केसीआर साहब ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, जो मुझे टिकट दिया है, केटीआर साहब, महमूद अली साहब, आजम अली साहब का मैं शुक्र गुजार हूँ। जो मेरे पदयात्रा पहले जो है काली खबर से शुरू हुई, मैं 4 दिन से जो है पदयात्रा कर रहा हूँ। काली खबर जो है तेलुगु बेल्ट है जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे लोग वहाँ पर कोई देख रहे हैं, देखने वाला नहीं है, बहुत सारी शिकायतें हैं। काली खबर हो गया है, नूरखा बाज़ार, जो माता की खिड़की, नागा बोली, डबिलपुरा, जो सारे जो है कोचम्मा बस्ती, देवी नगर, ब्रह्मनवाड़ी, ये सब जगह पदयात्रा हो चुकी है, जो है इंशाल्लाह सक्सेस हो रहा है। और केसीआर साहब की तरफ से जो बारिश से जो नुकसान हुए थे 10,000 रुपीज़ जो रिलीज हुए थे, थोड़े तो 4-5 दिन रुक चुके थे। केसीआर साहब की तरफ से कल ही जो है 300 करोड़ जो है रिलीज हो चुका है, वो 5 तारीख या 6 तारीख से जो भी ऑनलाइन करे हैं उनके अकाउंटों में इंशाल्लाह आ जाएंगे। और जो लोग ऑनलाइन नहीं करें वो आप जो है 5 तारीख के बाद कर ले सकते हैं। कैसे भी 100% कार रहेंगी और डबिलपुरे से इंशाल्लाह। क्या है बस डबिलपुरा डिवीजन के तमाम जो है वोटर से मैं अपील करता हूँ कि सुबह जो है आप अपने हक का वोट दीजिए, कार को वोट दीजिए। जो 4 नंबर पे बैलेट पेपर पे इस बार बैलेट पेपर पे इलेक्शन है, आप 4 नंबर पे जो है केसीआर साहब जो है कार के निशान को वोट दीजिए, केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जिंदाबाद।